बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 24 जून 2024 में आपके सीजीपीएससी 2023 का मेंस का जो मुख्य प्रश्न पत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला पेपर था आपकी भाषा का और दूसरी पाली में हुई आपके निबंध का। अब तक आपको मालूम हो ही गया होगा कि प्रश्न पत्र बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूछा गया था। अगर आपकी सीजीपीएससी प्री में महत्वपूर्ण तरीकों से उसकी तैयारी हो गई होती तो मान के चलिए कि आपके मुख्य परीक्षा में आपको अंक जो है वो बहुत अच्छे से मिलते। इस बार के प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 वर्षों से जो प्रश्न पत्र का लेवल था उससे बहुत ही अच्छा सरल तरीके से चीजों को पूछा गया है। यानी कि जो 2-3 साल में हिंदी का जो इतना टफेस्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब वैसे क्वेश्चन जो है पूछे नहीं गए हैं, बहुत ही सरल तरीके से पूछे हैं। लेकिन जैसा मैं हर क्लास में कहती हूँ कि प्री की तैयारी आपको मेंस में बेनिफिट देगी, मान के चलिए कि यहाँ पर भी 48 से 50 नंबर का पक्ष व्याकरण का आया है और वही 50 नंबर का पक्ष आपका साहित्य खंड से आया है, जो बहुत ही सरल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूछा गया है। इसी प्रश्न पत्र के एनालिसिस वीडियो में हम लैंग्वेज के अंतर्गत पार्ट 1 जिसका आपको पढ़ते हैं आपकी हिंदी भाषा और पार्ट 3 जो आपकी होगी छत्तीसगढ़ी, उसका एनालिसिस जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे आपकी हिंदी भाषा का। शुरू में अगर आप देखेंगे तो 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि व्याकरण वो हिस्सा है जो आपको पूरे नंबर देता है। मान के चलिए अगर आपने बहुत जबरदस्त तरीके से लैंग्वेज की तैयारी की होगी तो मान के चलिए कि 200 नंबर के लैंग्वेज में इतना अच्छा पेपर आया है कि आप 150 से 170 नंबर तक भी प्राप्त कर सकते, बशर्ते वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। यदि आपने केवल आला ढीली किया होगा या दूसरे सब्जेक्ट के चक्कर में लैंग्वेज को केवल 8-10 दिन का या 15 दिन का मौका दिया होगा तो भी, ऐसी भी स्थिति में अगर आपकी तैयारी प्री में रही होगी तो भी यह आपको फायदा देगी। किस तरह के प्रश्न आए, कैसा पूछा गया है, मैं हमेशा क्लास में लेक्चर लेते समय बताती हूँ कि बेटा देखिए अब प्रश्न का दायरा बदलने लगा है। हम जो पर्यायवाची में शुरू के शब्द को लेकर चलते थे कि गणेश का पर्यायवाची याद करना है, अब वैसी चीजें पूछी नहीं जाती, उसके अंदर से चीजों को पूछी जाती है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं सीजीपीएससी मेन्स 2023-24 का पहला प्रश्न पत्र विषय भाषा के अंदर हिंदी का, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यह है 100 नंबर की। और इस 100 नंबर के प्रश्न में मान के चलिए कि इस बार 48 से लेकर 50 नंबर तक का प्रश्न है ना, यानी कि 48 से लेकर 50 नंबर तक का प्रश्न केवल आपको व्याकरण खंड से पूछा गया है। बाकी वो हिस्से हैं जो आपके हैं आपके साहित्य खंड से, उन साहित्य खंड से भी बहुत ही खूबसूरत और सरल प्रश्न पूछे गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बार के प्रश्न पत्र को देखकर कि मैंने जो आप लोगों को तैयारी करवाई थी उस पर अगर आप अपनी मेहनत को खरे उतारते हैं तो मान के चलिए कि आप बहुत ज्यादा अंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए मैं हमेशा कहती हूं ना कि वर्णमाला जिससे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता था, निम्न की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। अब वर्णमाला से बहुत डिटेल में चीजें पूछती है, कोई भी मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं होता, ना मैं कभी कोई टॉपिक स्किप करती हूँ। मैं नहीं कहती कि आपके प्री में पढ़ चुके हैं तब आप इसको मेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं कि बेटा प्री की तैयारी मेंस में आपको फायदा देती है। 100 नंबर में 50% हिस्सा व्याकरण का होता है और वो हिस्सा जो आप सीजीपीएससी प्री में पढ़े होते हैं, इसलिए जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो प्री में अगर आप पढ़ चुके होते हैं बेटा तो आपको मेंस के लिए आधी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आपने प्री में ही लैंग्वेज नहीं पढ़ा तो उस 100 नंबर में आप भटक जाते हैं। और जिस तरह मैथ्स में आपको अंक मिलते हैं ना कि 2+2=4 अगर आप लिखते हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही लैंग्वेज का ग्रामर पोर्शन होता है जहां फुल मार्क्स आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है कि संयुक्त व्यंजन
वृक्ष किन ध्वनियों से निर्मित है इसका विच्छेद कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन में चार विकल्प दिए गए हैं, यानी इच क्वेश्चन हैव वन मार्क्स, क्योंकि ये चार नंबर का है जो वर्णमाला से पूछा गया है। ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि वर्तनी शुद्धिकरण तो आता ही है, लेकिन अब उस व्याकरण के वर्णमाला से भी प्रश्न पूछता है। प्रश्न कहते हैं संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय का क्ष किन दो ध्वनियों से निर्मित हुआ है, विच्छेद करके लिखिए। तो आंसर में क्या लिखना होगा हमको कि अगर हम लिखेंगे जैसे कि क और लिखेंगे श, है ना, तो क और क्ष से क्या बनता है हमारा, क्षत्रिय का क्ष बनता है। केवल इतना ही लिखना है, क्योंकि विच्छेद करने कहा है कि संयुक्त व्यंजन क्ष किन ध्वनियों से निर्मित होता है, विच्छेद कीजिए, तब के इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा प्रश्न पूछा है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, लिखिए। केवल वहां वर्ण अक्षर का नाम लेना है और किसी भी चीज का नाम वहां पर नहीं लेना है। तो दंतोष्ठ यानी वो ऐसा वर्ण जो दांत और होठ दोनों को छूता है। तो जब हमारे द्वारा वचन का व कहा जाता है तो नीचे का होठ नीचे के दांत को छूता है, तो दंत ओष्ठ कहकर दंतोष्ठ वर्ण बन जाता है। तो केवल उस ध्वनि का नाम बस लिखना है, तो आप यहां पर इतना ही लिख देंगे तो भी चलेगा, या आप कह सकते हैं कि वर्णमाला में वचन का वह दंतोष्ठ ध्वनि है। ठीक है, अब दिया है क्वेश्चन नंबर टॉपिक में आपके पहले नंबर में तीसरा कि मुख और नासिका दोनों से सम्मिलित योग से उच्चारित ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ साथ नासिका से प्रवाहित होती है तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, ऐसे वर्णों को कहा जाता है अनुनासिक्य वर्ण, ऐसे वर्णों को कहा जाता है अनुनासिक्य वर्ण। क्लियर हो गया? ठीक है, तो प्रश्न पूछा है कि मुख और नासिका दोनों से सम्मिलित योग से उच्चारित ध्वनि को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा, और चूंकि वन लाइनर है तो अगर आप पूरा फुल आंसर लिखते, क्योंकि समय की कमी होती है, तो यदि आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो आप पूरा सेंटेंस को कह सकते हैं कि मुख और नासिका दोनों से सम्मिलित योग से उच्चारित ध्वनि को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर फोर क्या कहता है, हिंदी का एक घोष वर्ण लिखिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि घोष वर्ण क्या होते हैं। आपको मैंने बताया था वर्णमाला में कि जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाएं एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे को घर्षण और अकंपन से ध्वनि का उच्चारण करती हैं, तो ऐसे प्रभाव को हम घोषत्व का आधार, या हम इसे नाद का आधार, या हम इसे गूंज का आधार कहते हैं। इसे स्वर तंत्रिका का आधार भी कहते हैं, जिसमें दो वर्ण है, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। यहां पर घोष वर्ण पूछा है, घोष वर्ण को ही हम सघोष कह सकते हैं कि जब स्वर तंत्रिका एक दूसरे के पास आती है, एक दूसरे को घर्षण करती है और कंपन के साथ ध्वनि उच्चारित होती है, तो ऐसे वर्णों को घोष वर्ण या सघोष ध्वनि के नाम से पुकारा जाता है। तो एक वर्ण लिखने बोला है ना, एक घोष वर्ण। अब देखने वाली बात है कि केवल एक लिखने बोला है, है ना। अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का अगर हम देखें तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतः, इस्थ वर्ण को और स्वरों को हम सघोष वर्ण कहते हैं। इनमें से आपको केवल एक लिखना है। यदि आप यहां पर केवल ग लिख देंगे तो भी नंबर मिलेगा, है ना, अगर आप अंगा लिख देंगे तो भी नंबर मिलेगा। तो हिंदी का एक घोष वर्ण लिखना है, सोचिए कितना नंबर दे रहा है। इनको आपको मालूम होता है कि अंतइस व्यंजन को, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण को और आपके स्वरों को हम सघोष व्यंजन कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में केवल एक लिखना है, तो सोचने वाली बात है कि बिल्कुल गणित की तरह आपको क्वेश्चन नंबर वन में जो चार विकल्प दिए हैं प्रश्न के, उसमें सभी में पूरे एक अंक आपको दिया जा रहा है। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर टू है जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच से पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। अब देखने वाली बात है कि रेखांकित अंक कौन सा है, हिमालय से।
ये मेरे नोट्स में भी एग्जाम्पल में है। आपको मालूम होगा जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो जब अभी आपको मैं कारक रचनाएं पढ़ाती हूँ तो जरूर इस एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा है कि हमारे कोको के नोट्स में एग्जाम्पल है, सोचने वाली बात है कि मेरा पढ़ाया कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मैं दावे से कह सकती हूं कि यदि डिटेल में मेरे लेक्चर वीडियो या क्लास आप अटेंड करते हैं बेटा, फुल मार्क्स जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, इस रेखांकित अंश में कौन सा कारक रचना है? तो आपको मालूम होना चाहिए हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है। इसलिए इसके आंसर में विकल्प पहले नंबर के प्रश्न में क्या होगा, जहां कोई चीज कोई वस्तु किसी कर्ता से डर भय तुलना अलगाव पृथककरण से अलग हो जाती है, तब वहां हमारे लिए एबिलिटिव केस यानी कि हमारे लिए क्या होता है वहां पर अपादान कारक जो है वो होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, हिमालय से गंगा निकलती है में अपादान कारक रचना है। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे घर में कुछ नहीं है। इस वाक्य में कुछ जो है वो सर्वनाम का कौन सा भेद का उदाहरण है या सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? जब मैंने बताया था कि संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। इस सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। उसमें से ये जो एग्जाम्पल है कौन से सर्वनाम का एग्जाम्पल है? मैंने बताया था कि पहला सर्वनाम है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले होता है। फिर है निश्चित और एक है अनिश्चित। तो जहां पर पास या दूर में रहने वाले किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। तो कुछ कोई सब कहता है जिसमें निश्चित नहीं है, तो मेरे घर में कुछ नहीं है मतलब निश्चित नहीं है, ना तो मिक्सचर है, ना बिस्किट है, ना कॉफी है, ना कुकीज है, कुछ भी नहीं है मतलब निश्चित नहीं, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आप चाहें तो फुल सेंटेंस लिख सकते हैं कैसे, कि मेरे घर में कुछ नहीं है वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। अगर आप इतना लंबा लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर केवल ऐसा शॉर्ट टर्म में लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि समय का सदुपयोग वहां पर होना चाहिए। जहां पर व्याकरण है बेटा उसमें नंबर आपको पूरे मिलते हैं, इसलिए सबसे पहले व्याकरण को सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अब यहां पूछा है निम्नलिखित वाक्य में से अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण के वाक्य को छांट कर लिखिए। टिक नहीं लगाना बेटा, टिक नहीं लगाना है। क्या बोला है कि दो विकल्प दिए हैं, क्या कि राम बाजार से 4 किलो आटा लाया और दूसरा सभागार में बहुत आदमी थे। ये एग्जाम्पल भी मेरे हिंदी के नोट्स में, कंपटीशन कम्युनिटी के हिंदी नोट्स में आपको मिलेंगे। ये सेम एग्जाम्पल मेरे नोट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो राम बाजार से 4 किलो आटा लाया और सभागार में बहुत आदमी थे, ये इसमें से अनिश्चयवाचक सर्व विशेषण कौन सा है आपका, परिमाणवाचक विशेषण, सभागार में बहुत आदमी थे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, विकल्प लिखेंगे तीसरा का ब, ठीक है ना। अब अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जब किसी संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा की निश्चित ना हो, यानी कि जहां पर किसी भी संज्ञा शब्द की अनिश्चितता का बोध हो, जहां उसके नाप तौल मात्रा में या गिनती में उसके मात्रा ना हो, तब वहां पर हमारे लिए अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण होंगे। अब यहां से देखिए, बाजार से 4 किलो आटा लाया कह रहा है मतलब निश्चित परिमाण है ना। अब देखने वाली बात है कि अनिश्चित परिमाण कह रहा है जहां पर संख्या निश्चित नहीं है, तो सभागार में बहुत आदमी थे, यहां पर मात्रा आदमियों की निश्चित नहीं है। हालांकि यहां पर एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पर यह होना चाहिए कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, क्योंकि 4 किलो आटा को तो हम तौल सकते हैं, आदमियों को हम तौल नहीं सकते। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, इसलिए क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा गलत है मेरे नजरिए से, कि यहां पर होना चाहिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो आदमियों को गिना नहीं जा सकता, लेकिन कम
थोड़ा, ज्यादा, बहुत, अधिक, ये ऐसे शब्द हैं जो मात्रा को बताते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑप्शन का होगा आपका सेकंड नंबर, यानी कि हमारे लिए क्या आ जाएगा, सभागार में बहुत आदमी थे, ठीक है ना। और इस तरह आपको दिमाग जो है वो थोड़ा सा लगाना होगा ताकि कहीं भी आपके अंक जो है वो छूट ना पाए। क्लियर हो गया। अब आता है अगला क्वेश्चन। अब देखिए, प्रत्यय जोड़कर एक कृदंत शब्द। मैं कभी भी क्लास में बेटा आप बोलेंगे कि मैम आप अपनी बढ़ाई मार रही हैं, नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि अगर कभी भी किसी भी तरह का छोटा ऐसा टॉपिक आ जाए जो आपको अंक दिलाने में सहूलियत देता है, तो मैं कभी कोई टॉपिक स्किप नहीं करती। जितना डिटेल में, जितना डेप्थ में जाना होता है मैं आपको बताती हूँ। इवन हर टॉपिक के साथ में ये बताते हुए चलती हूँ कि कैसे इस टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, हमेशा क्या आता था, इन 2-3 सालों में क्या हुआ था कि उपसर्ग और प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रकार लिखिए, कृदंत प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे पूछे जा रहे थे। साथ में देता था निम्न प्रत्यय के प्रयोग से 2-2 शब्द निर्मित कीजिए। अब इसी में क्या क्वेश्चन पूछ लिया है कि अक्कड़ प्रत्यय का जोड़कर कोई एक कृदंत शब्द लिखना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी सफिक्स वाला एग्जाम्पल लिखना है। अब ये प्राइमरी सफिक्स क्या है, सभी को मालूम होना चाहिए कि किसी भी क्रिया के मूल धातु शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो क्रिया का मूल धातु अगर देखा जाए तो क्रिया का मूल धातु क्या है, जैसे कि पी है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे लिए भूल है। अब क्रिया का मूल धातु है, अब पी में, तो क्रिया के मूल धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत या कृदंत प्रत्यय यानी कि प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है। इस सिचुएशन में पी में अगर हम अक्कड़ लगा दें तब हमारे लिए एग्जाम्पल बनेगा पी अक्कड़। इसी प्रकार भूलना क्रिया है, अब इसमें हम लगा दे प्रत्यय तो हमारे लिए एग्जाम्पल बनेगा भूल में अक्कड़ प्रत्यय से भूलक्कड़। और आपको सिर्फ एक लिखने बोला है ना, सिर्फ एक लिखने बोला है बेटा, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए बेटा उतना ही लिखिएगा, कभी भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा लिखते समय कुछ गलती हो जाती है तो जो अंक मिलने चाहिए ना वो अंक भी वहां से समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तद्धितांत शब्द मतांतर में प्रत्यय को छांटकर लिखिए। अब तद्धित शब्द यानी कि क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इससे बनने वाला शब्द या तो नाम धातु क्रिया की होते हैं या तो हमारे लिए भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। यहां दिया है भाववाचक संज्ञा का शब्द मतांतर, मत का अंतर, इसमें से प्रत्यय शब्द को छांटकर अलग करना है। अब देखने वाली बात है कि अंतर जैसा कोई भी प्रत्यय नहीं होता, किसी भी शब्द में अगर हम देखते हैं तो अंतर जैसा प्रत्यय नहीं होता, तो यहां पर हमारे लिए तर प्रत्यय जो है वो जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया, ठीक। अब है आपका संधि से प्रश्न दिया है, देखिए संधि से उपसर्ग वाला मतलब, अब देखने वाली बात है कि अन्वेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब कभी ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, मैं क्लास में ये एग्जाम्पल बताते समय बहुत क्लियरिटी से बताती हूँ बेटा कि जब इसकी पहचान करनी होती, मैंने पहले ही बताया था कि जब कभी भी आपको एक ऐसा एग्जाम्पल मिले जिसमें आधा ना है, या आपको ऐसा एग्जाम्पल मिले जहां आधा दह है, करना कुछ नहीं है, क्योंकि संधि बताते समय मैंने बताया था कि कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जो उपसर्ग के तौर पर प्रयोग की जाती है। ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको उपसर्ग बताते समय बताया था कि कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो संधि की प्रक्रिया से बदल जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में पहचान भी बताई थी। ऐसी परिस्थिति आती है तो न में हम छोटा उ का मात्रा लगा देंगे
और ध को पूरा करके छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, तो अनुधन एषण से अन्वेषण बनता है। इसलिए अन्वेषण में प्रयुक्त तो उपसर्ग है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। चौथा का है अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसकी भी पहचान बताई थी कि आधा ध होगा, तो हम वहां पर क्या करेंगे, उसे पूरे ध में बदलकर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। और ये दोनों यण स्वर संधि की प्रक्रिया से निर्मित शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कि सोचिए, ये जो पेपर है, मैं दावे से कह सकती हूं कि अगर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जिसने प्री में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, साथ ही मेंस की क्लास में लैंग्वेज बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा, तो डैम श्योर कि उनको इस बार के लैंग्वेज पेपर में हाई स्कोर मार्क मिलेंगे, ये मेरा दावा है। बशर्ते कोशिश मेरा, प्रयास मेरा, मेहनत आपकी, लगन आपका, जो आपको उस अंक तक पहुंचाएगा। एक एक पहचान मैंने बताई थी बेटा, हर एक चीज बताया था मैंने, इवन ये भी बताया था कि उपसर्ग आपको पहचानने बोलेगा तो कैसे उपसर्ग को पहचानेंगे, ये सारे ट्रिक मैंने आपको क्लास में बताए थे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्द में से एक एक पर्यायवाची, अब देखिए अब तक पर्यायवाची शब्द में मेंशन करता था कि निम्न के दो पर्याय लिखिए, तीन लिखिए, चार लिखिए। इस बार आपकी खूबसूरती प्रश्न पत्र की ये रह गई कि यहाँ केवल एक पर्यायवाची। अब एक एक पर्यायवाची लिखने बोला है तो जबरदस्ती दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ना तो यहां पर आपको देवी देवता पूछा है, ना जीव जंतु पूछा है, ना प्राकृतिक तत्व पूछा है, बल्कि ऐसे शब्द के बारे में पूछा है जो तत्सम प्रभावी है, जिसका हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं परंतु हमें उसके अर्थ नहीं मालूम होते। देखने वाली बात है कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर आपके लिखा है एक एक पर्यायवाची लिखना है, कितने नंबर का बेटा, दो नंबर का, तो आधा 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 करके दो नंबर का है, ठीक है। इसके पहले प्रश्न में एक एक नंबर का प्रश्न है, इसके पहले देखा जाए तो हमारे लिए एक एक नंबर का प्रश्न है, और इस सिचुएशन में यहां भी एक एक नंबर के प्रश्न है। लेकिन अभी क्या कह रहा है, इसमें आपके दे रहा है आपके पर्यायवाची में जो दो नंबर का प्रश्न है, आधे आधे नंबर का। अब देखिए यहां पर पर्याय का मतलब तो दो होता है, परंतु ये आपको इंडिकेट कर चुका है कि केवल एक ही लिखना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे लिप्सा का मतलब क्या होता है, आपको एक शब्द सुनाई दिया होगा, भोग लिप्सु, है ना, या भोग लिप्सा। मतलब लिप्सा का मतलब होता है चाहत, इच्छा, ख्वाहिश कह सकते हैं, है ना। और इस सिचुएशन में अगर आप लिप्सा का पर्यायवाची लालच लिखते हैं तो भी नंबर मिलेगा, लोभ लिखते हैं तो भी नंबर मिलेगा। तो यदि आप लालच लिखते हैं, लोभ लिखते हैं, इच्छा लिखते हैं, ठीक है, तो सब में से किसी एक को आपको लिखना है। और मैंने पहले ही कहा था बेटा कि पर्यायवाची में एनी हाउ टू मेंशन करना है, कब तक, जब तक वो इंडिकेट नहीं करता तब तक, अदरवाइज वो आपके पर्यायवाची से समानार्थी बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो खुद से कहे एक लिखो, दो लिखो, तीन लिखो, चार लिखो, तो जितना मेंशन करेगा बाबू उतना आपको लिखना पड़ेगा, यहां केवल एक लिखने बोला, ठीक है। तो अगला क्या करे, प्रयाण। प्रयाण का मतलब क्या होता है, जब हम जाते हैं ना, है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो जाना का जो पर्यायवाची है वो है प्रयाण। अब जाना को हम क्या कहते हैं, गमन भी कहते हैं, जाना भी कहते हैं, प्रस्थान भी कहते हैं। तो गमन, जाना, प्रस्थान, है ना, यहां से किसी भी एक शब्द को आपको पर्यायवाची के तौर पर लिखना है। अगला है निरूपम। अब इसका अर्थ सूझना पड़ेगा, निरूपम जिसकी कोई भी उपमा नहीं है, तो हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं अद्वितीय। हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। तो अद्वितीय कह सकते हैं, अतुलनीय कह सकते हैं, अनोखा कह सकते हैं, अनुपम कह सकते हैं, क्लियर। अब आता है निरामिष। निरामिष क्या होता है, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं, ठीक है ना, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं, और जो मांस खाता है उसे आमिष कहते हैं। तो निरामिष का मतलब है मांस नहीं खाता, इसलिए इसका पर्याय क्या होता है, हम इसको कह सकते हैं मांस रहित, है ना, हम इसको कह सकते हैं मांस रहित कह सकते हैं, या हम इसे अनामिष कह सकते हैं। निरामिष है तो हम इसे अनामिष, अनामिष जिसमें मांस नहीं है,
क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें एक एक पर्यायवाची पूछा है। अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का एक एक विलोम शब्द लिखिए। मैंने पहले ही बताया था कि विलोम शब्द की खासियत होती है कि साधारण बोलचाल का है तो जवाब भी साधारण होंगे, और अगर तत्सम प्रभावी है तो जवाब भी तत्सम प्रभावी होंगे। अब देखने वाली बात है, अवनति का मतलब होता है ह्रास होना या गिरना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अवनति का होगा उन्नति। इसी प्रकार तामसिक है ना, रजोगुण तमोगुण और सद्गुण कहते हैं ना, तो तामसिक प्रवृत्ति है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए सात्विक। ठीक है, समष्टि कहता है, समष्टि मतलब हमारे लिए आपका संकुचित रूप में है ना, तो समष्टि तो संपूर्ण, तो क्या बनेगा हमारे लिए, व्यष्टि बनेगा। समष्टि का हमारे लिए बन जाएगा आपका व्यष्टि, है ना, तो समष्टि का हो जाएगा हमारा व्यष्टि। ठीक है, इसके बाद आती है बारी हमारे लिए विकिरण। विकिरण जो बिखरा हुआ है, विस्तृत है, विस्तार में है, तब इसका क्या बन जाएगा बेटा, इसका बन जाएगा संकीर्ण। ठीक है, और इस तरह आपके दो नंबर का है, यानी कि आधे 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 नंबर का ये प्रश्न है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। कितने नंबर का है, दो नंबर का, यानी इस क्वेश्चन है हाफ मार्क्स, यानी कि आपको हिंदी के शब्द से इसको किसमें कन्वर्ट करना है, संस्कृत में, है ना। तो तत्सम मालूम है, दोज वर्ड्स विच वी टेकन फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ संस्कृत फॉर यूज ऑफ अवर लैंग्वेज हिंदी, यानी कि ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड यूज्ड एज इट इज इन हिंदी। तो ये हमारे लिए किसी भी भाषा के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। ठीक है, तद्भव क्या है कि ड्राइव्ड फ्रॉम हिंदी संस्कृत बट चेंज इनटू हिंदी। तो दोज वर्ड्स अगर हम देखते हैं कि वो शब्द जो संस्कृत से सरल हिंदी रूपांतरण है, तो संस्कृत वर्ड्स कन्वर्टेड इनटू हिंदी, व्हेन संस्कृत वर्ड्स कन्वर्टेड इनटू हिंदी, व्हेन संस्कृत वर्ड्स चेंज्ड इनटू हिंदी विदाउट चेंजिंग एनी टाइप ऑफ मीनिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम से तद्भव। तो तद्भव दिया है हिंदी में, इसका किस में लिखना है, तत्सम। दीठ कह रहा है, दीठ का मतलब होता है ढीठ होना, यानी कि जिद्दी होना, है ना। तो दीठ कह रहा है जिद्दी होना, तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए धृष्ट बनेगा, क्या बनेगा, धृष्ट। ठीक है ना। अब बारी आती चांदनी। चांदनी को क्या कहते हैं, तत्सम रूप में चंद्रिका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी दूल्हा। दूल्हा को क्या कहते हैं, वर कहते हैं, और आज को संस्कृत में अध्य कहा जाता है। क्लियर हो गया, ये भी पूरे दो नंबर के थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ख। अब अपोजिट दिया है कि संस्कृत के शब्द से हमको हिंदी में बदलना है, यानी कि तत्सम शब्द का तद्भव रूप लिखना है। क्वाथ क्या होता है, जो काढ़ा होता है उसे हम क्वाथ कहते हैं। निर्वहन का मतलब होता है निभाना, निर्वहन का मतलब होता है हमारे लिए निभाना, यानी किसी चीज का निर्वाह करना, यानी कि हमारे लिए क्या बन जाता है, किसी भी चीज को निभाना, निर्वहन का पर्याय आपका तत्भव बन जाता है निभाना। महापात्र हम किसको कहते हैं, हाथी चलाने वाले महावत को कहा जाता है महापात्र। श्रृंगार कह रहा है, तब यह हमारे लिए क्या बन जाता है, सिंगार। क्लियर हो गया बेटा। और इस तरह आपके आंसर जो है, सोचने वाली बात है, वन लाइनर है, एक एक अंक आपको बिल्कुल ईमानदारी से मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समासिक पदों का विग्रह कीजिए। कितने नंबर का है, दो नंबर का। किसी प्रकार का कोई चीज इसमें खेलना नहीं है, एक एक नंबर का विकल्प में पहला और दूसरे में एक एक नंबर है, सिर्फ आपको समास विग्रह जो है इसके आपके करने हैं, है ना। ये समस्त पद में है जिसका समास विग्रह करना है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें नाम लिखने के लिए दिया होता तो हो सकता है ये चार नंबर का प्रश्न होता कि समास विग्रह में आधा और उसके नंबर में आधा करके एक प्रश्न पर एक नंबर होता। ठीक है ना, और इस तरह हो सकता है आपको ये आपको नंबर के आधार पर बढ़ा देता कि विग्रह में एक नंबर और उसके नाम पर एक नंबर करके वही प्रश्न दो नंबर का हो जाता। परंतु यहां पर केवल आपको समास विग्रह करने दिया है, नाम लिखने नहीं दिया है, तो केवल यहां पर आंसर क्या लिखना होगा, यथा सामर्थ्य कह रहा है। अब मैं आपको मालूम है कि यथा का मतलब होता है अनुसार, यानी कि हम क्या कहेंगे, सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। अगर बेटा ये पूछा होता कि
इसका नाम भी लिखना है तो हम यहाँ पर एडवर्बियल कंपाउंड यानी कि हम यहाँ पर अव्ययी भाव समास लिखते, ठीक है। दूसरा है नर श्रेष्ठ, है ना, देखने वाली बात है। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, नरों में श्रेष्ठ, है ना। अब यहां पर हमें एक कारक विभक्ति आ रही है, अगर ये पूछा जाता तो हमारे लिए अधिकरण तत्पुरुष समास बनता, परंतु यहां पर से समास विग्रह कह है इसलिए यथा सामर्थ्य का क्या होगा, सामर्थ्य के अनुसार, और नर श्रेष्ठ का क्या होगा, नरों में श्रेष्ठ। क्लियर हो गया। अब बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर ख की। अब दिया है निम्नलिखित समासिक पदों में समास का नाम लिखना है, ठीक है। न तो विग्रह कह रहा है, कुछ नहीं, क्या कह रहा है, समास को पहचानना है और उसका नाम लिखना है। तो हम रफ वर्क में इसको क्या करेंगे, विग्रह करने की कोशिश करेंगे। रस सिक्त कह रहा है, तो रस के द्वारा सिक्त यानी कि हमारे लिए इसमें कारक रचना पाई जा रही है, तो क्या होगा यहां पर, तत्पुरुष समास, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, मान लीजिए क्योंकि ये उदाहरण है आपका करण तत्पुरुष का, ये एग्जाम्पल है रस सिक्त जल सिक्त कहता है, ये आपके करण तत्पुरुष यानी कि तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है, लेकिन कंफ्यूजन अगर माइंड में क्रिएट हो रहा है और आपने इसमें कुछ अलग नाम लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए केवल तत्पुरुष समास लिख देने से भी आपको पूरा अंक मिलेगा। अब अलग कहता है कर्तव्य, कर्तव्य यहां पर है हमारे लिए द्वंद्व समास। अब कहेंगे आपके द्वंद्व समास क्या है, यहां टू अपोजिट वर्ड्स को इंक्लूड किया है। जरूरी नहीं है कि हर द्वंद्व समास में एक हाइफन जुड़ा हुआ हो, मैं क्लास में हर एक टॉपिक को, हर एक बारीकी को बताने की कोशिश करती हूँ कि कभी कभी द्वंद्व समास में जब टू अपोजिट वर्ड्स होते हैं तो वहां पर हाइफन स्किप हो जाता है, जैसे कि लाभालाभ कहते हैं यानी कि लाभ अलाभ, सत्यासत्य धर्माधर्म, वैसे ही कर्तव्य अकर्तव्य कहकर हमारे लिए यह द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। क्लियर, चले अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। कितने नंबर का बेटा, दो नंबर का, ठीक है। केवल संधि विच्छेद करना है, नाम नहीं लिखना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो उच्च श्वास क्या कहता है, उत धन श्वास। कैसे पहचानेंगे कि उत श्वास है, मैंने बताया था कि त के बाद में यदि हमारे लिए श आ जाता है, ऐसे सिचुएशन में ये त और श के बीच में हमारे लिए आधा चाहता है। उत्शिष्ट से उच्छिष्ट बनता है, सत छत्र से सत छत्र बनता है, वही वाला रूल यहां पर फॉलो किया गया है, ठीक है। पयोधी, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, पयह धन धी कहता है तब हमारे लिए पयोधी बनता है, जैसे पयह धन द से पयोध बनता है, मनह धन ज से मनोज बनता है। क्लियर, ठीक, चलिए अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी संधि है उसका नाम लिखना है, दो नंबर का। वागंत कह रहा है, है ना, तो वाक धन अंत, जैसे वाक धन मय से वांगमय बना था, है ना, तो वाक धन अंत से वागंत बना, यानी कौन सी संधि है हमारी, यहां पर व्यंजन संधि है। ऐसे सिचुएशन में रफ वर्क कर लेंगे, कैसे कर लेंगे कि वाक धन अंत कह रहा है, तो पहले शब्द का अंत यदि हलंत वाले क च ट त प से हो, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का यदि तीसरा वर्ण चौथा वर्ण है, या हमारे लिए आपका अंतस्थ वर्ण है या स्वर है, ऐसे सिचुएशन में का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बनता है, इसे सघोष व्यंजन संधि भी कहते हैं। अब ये क जो है किसमें बदल गया, ग में बन गया, तो वाक से वाग हो गया। अब इस व्यंजन में अम की मात्रा जुड़ गई, इसलिए वाक अंत से हो जाता है वागंत, ठीक है। अब इसी के पीछे जो पयोधी पूछा था तो इसका क्या बनेगा, शिरह धन धार्य कह रहा है, है ना, और नियम क्या कहता है, विसर्ग से पहले यदि अ के स्वर की मात्रा हो,
होने वाले संदेह किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या हमारे लिए पांचवा वर्ण हो, ऐसे सिचुएशन में विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा में बदल जाता है, इसे शिरा से बन गया शिरो। तो तमह गुण से तमोगुण, रजह गुण से रजोगुण, पयोधि से पयोधि, शिरा रेखा से शिरो रेखा। तो ये जो रूल्स मैंने बताए थे और बहुत डिटेल में चीजें बताई थी, उसी का फायदा यहाँ पर होगा कि यहाँ केवल आपको नाम लिखने बोला है। ये सब ओनली आपका जो है वो रफ वर्क है, इसका प्रयोग नहीं करना है। तो निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है, तो पहले में व्यंजन संधि और दूसरे में विसर्ग संधि है। ठीक है, चले अब आते हैं कि हिंदी में प्रयुक्त निम्नलिखित उपसर्ग में से एक एक शब्द की रचना कीजिए। यहां चार उपसर्ग दिया है, इन उपसर्गों का प्रयोग करके आपको केवल एक एक शब्द बनाना है। नहीं कहा है कि दो दो बनाइए, तीन तीन बनाइए, कुछ भी नहीं कहा। बस दिमाग लगाना है कि सोचिए, केवल दो नंबर का प्रश्न है जहां पर आपको केवल कितने शब्द का निर्माण करना, एक एक शब्द की रचना करनी। अब यहां पर औ कह रहा है तो हिंदी का शब्द बनता है औचट, ठीक है ना। इसी प्रकार औगुण, इसी प्रकार औघड़ बनता है। क्लियर हो गया। दूसरा, हर का प्रयोग करता है तो हम यहां पर हर दिल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका अरबी फारसी का शब्द है, इसलिए हर मौसम, हर दिल, हर वर्ष, हर साल, हर समय, हर वक्त कहते हैं ना, तो कोई भी एक शब्द को यहां पर आपको लिखना है। अगला दिया है क उपसर्ग, ये भी हिंदी के देशज शब्द है, इसलिए अगर देखते हैं तो क उपसर्ग से कपूत बना, है ना, कचोटना बना, ठीक है। भर का उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो यहां पर क्या बनता है, भरपेट, ठीक है। और इस तरह सोचिए बेटा, आधे आधे नंबर आपको मिलते हैं। यदि बारीकी से अगर आप पढ़े होंगे, क्लास अटेंड किया होगा, मैं बार बार कह रही हूं कि मेरी क्लास अगर आपने अटेंड कर ली है तो मान के चलिए कि व्याकरण में आपको पूरे अंक जो है वो जरूर मिलेंगे। साथ ही प्रश्न पत्र का दूसरा हिस्सा जो आपके साहित्य खंड का है वो भी बहुत खूबसूरत पूछा गया है। इस बार मेरी मानिए कि अगर आपकी तैयारी अच्छी रही होगी तो लैंग्वेज में इस बार आप जो है वो जो रिकॉर्ड बना हुआ है उस रिकॉर्ड को भी पार कर सकते हैं, क्योंकि अब तक 170 से ऊपर लैंग्वेज में किसी का गया नहीं है। आप चाहें तो उसको भी आप क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते बराबर से जैसा पूछा जा रहा है वैसा लिखा जाए तब की स्थिति में, ठीक है। ये देखिए, कुल और कुल, हर क्लास में जब भी मैं आपको सम्मोच्चारित शब्द बताती हूं ये एग्जांपल जरूर मैं लेती हूं। क्लियर हो गया। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित सम्मोच्चारित शब्द का अर्थ भेद लिखिए। वाक्य प्रयोग नहीं बोला है, केवल अर्थ भेद स्पष्ट करना है, ठीक है। तो सम्मोच्चारित शब्द के बारे में मालूम है कि ऐसा शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से एक समान उच्चारित होता है, तो सम्मोच्चारित, समश्रुत, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द के नाम से उसे पुकारा जाता है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, ये हो गया हमारा नंबर। यहां पर लिख दिया जैसे कि कुल, है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे समस्त, है ना, ठीक। अब इसको अलग अलग नाम है ना, समस्त भी है, कुल है, खानदान है, वंश है, ध्यान रखिएगा कोई एक लिखना है, या तो आप समस्त लिखिए, ठीक है, तो कुल, खानदान, वंश, परिवार, है ना, या समस्त, इनमें से कोई एक को लिखना है, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं यहां पर कुल, तो इसका मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा। क्लियर हो गया। वैसे ही दूसरे का आंसर क्या होगा, एक लिखना है इधर आपको निर्जर, ठीक है, और एक लिखना है आपको इधर निर्जर, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अजर, अजर जो मर नहीं सकता, निर्जर जिसकी उम्र बढ़ती नहीं है, तो जो वृद्ध नहीं हो सकता, जो वृद्ध नहीं हो सकता, है ना। अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में देवता भी लिख सकते हैं, जो वृद्ध नहीं हो सकते, है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देवता, ठीक है। और निर्झर का मतलब होता है जो ऊपर से झरता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यहां पर जो वृद्ध नहीं हो सकता, या हम कह सकते हैं वृद्ध ना होने वाला, वृद्ध ना होने वाला, ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कोई उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगले क्वेश्चन ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। अब ये चार नंबर का है, मतलब प्रत्येक प्रश्न में आपको एक एक अंक जो है वो दिया गया है, ठीक है। जिंदा रहने की इच्छा,
इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुर्मुषा। ठीक है ना, मरने की इच्छा को कहते हैं मुर्मुषा। जो ये देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जो बाएं हाथ से काम करता है, टेस्ट सीरीज में भी आपके आया होगा, ठीक है, इसे कहा जाता है सव्यसाची। ठीक है, सव्यसाची, जो बाएं हाथ से काम करता है। अनेक भाषा को जानने वाले को क्या कहेंगे? बहुभाषाविद। क्या कहेंगे इसे? बहुभाषाविद। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी भी शर्त होती है, जो बहुत सी भाषा का प्रयोग करता है तो बहुभाषाविद कहेंगे, ठीक है ना, और जो बहुत भाषा को जानता है तो बहुभाषाविद कहेंगे, ठीक है ना। जो बहुत से भाषा बोलता है, बहुत बोलता है तो बहुभाषी हो जाता है। बहुत बोलने वाले को बहुभाषी कहते हैं या वाचाल कहते हैं। जो नहीं बोलता, कम बोलता है, उसे मूक कहते हैं। लेकिन बहुत से भाषा को जो जानता है तो उसे बहुभाषाविद के नाम से पुकारा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, यानी कि वर्णमाला का दूसरा हिस्सा है जो दो नंबर का है, जहां पर आपको वर्तनी शुद्ध करके लिखना है। यावत जीवन कहता है तब यह हमारे लिए यावत जीवन बन जाता है, ठीक है ना। यावत जीवन से यावत जीवन बनता। कुल मिलाकर देखने वाली बात है कि ये हमारे लिए संधि की प्रक्रिया है कि त के बाद में ज आता है तो त आधे ज में बदल जाता है, इसलिए यावत जीवन से यावत जीवन बन जाता है। कनिष्ठ नहीं बल्कि क्या होता है? कनिष्ठ होता है। कुमुदनी नहीं बल्कि कुमुदिनी होता है। क्लियर हो गया। अगला, स्वातंत्रोत्तर नहीं बल्कि स्वतंत्रोत्तर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारी शुद्ध वर्तनी पूरे दो अंक का, ठीक है। चले अगला आते हैं, वाक्य का शुद्ध करके लिखना है। दो नंबर का प्रश्न है, यानी कि दोनों में एक एक नंबर है, ठीक है ना। अब इसमें हमको सेंटेंस में आई हुई गलतियों को दूर करना है, ना कि इसके वाक्य के अर्थ को बदलना है। बहुत से भारत के नहीं बल्कि क्या होगा यहां पर? भारत के बहुत से, है ना, भारत के बहुत से वैज्ञानिक। अब भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, ठीक है, विदेश गए हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं भी हो सकता है, बहुत से लिखने की जरूरत नहीं है। तो भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं ये भी सही है, भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं ये भी सही है। अब भोजन सुंदर नहीं बनता बल्कि क्या बनता है? भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक्स्ट्रा बहुत लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या कह सकते हैं? भोजन स्वादिष्ट बना है, यह भी सही है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, यह भी सही है। अगर आप चाहें तो इनको लगाने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब लिख सकते हैं, भोजन स्वादिष्ट बना है, भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं, तो भी नंबर जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है मुहावरे और कहावतों का केवल अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना नहीं है, बल्कि यहां पर उनका क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। ऐसे सिचुएशन में विकल्प पर एक नंबर जो है वो दिया है। ख्याली पुलाव पकाना कहता है, है ना, ख्याली पुलाव पकाना कहता है, तो यहां पर होगा मन गढ़ंत बातें करना। तो ख्याली पुलाव पकाना का क्या हो जाएगा? मन गढ़ंत बातें करना, ठीक है ना, मनगढ़ंत बातें करना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना असंभव कार्य को करना, या हम क्या कह सकते हैं कि असंभव रूप से कठिन कार्य का प्रयास करना, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? असंभव रूप से कठिन कार्य का प्रयास करना, ठीक है। केवल अर्थ लिखने बोला है, वाक्य प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब दिया है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? असंगत व्यक्ति या वस्तु को इकट्ठा करके कुछ बना देना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? असंगत व्यक्ति व वस्तु को
इकट्ठा करके कुछ बना देना है ना, यानी उनकी पहचान देना है ना, कुछ बना देना या उनकी पहचान बना देना, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद आता है कि एग्जाम्पल अगला कि जहां देखे तवा परात वहां गुजारे सारे, तो परलोभी या स्वार्थी हो जाना कह सकते हैं, या कह सकते हैं जहां कुछ प्राप्ति होती है वहां लालची आदमी जरूर जाता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां देखे तवा परात वहां गुजारे सारी रात, तो जहां पर कुछ चीज की प्राप्ति होती है वहां लालची आदमी अवश्य पहुंच जाता है। क्लियर हो गया, तो यहां पर आप उसका रूप ये भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं जहां कुछ प्राप्ति होती है वहां लालची आदमी जम जाता है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल वही होगा, ठीक है ना। क्या होगा, जहां कुछ चीज की प्राप्ति होती है वहां लालची आदमी जम जाता है। अब देखिए बेटा, देखने वाली बात है कि यहां पर ख्याली पुलाव पकाना और बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये दो है जो मुहावरा है, बाकी कहीं ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा और जहां देखे तवा परात वहां गुजारे सारी रात, ये दोनों आपकी लोकोक्ति है। इसलिए मुहावरे का अर्थ छोटा है और लोकोक्ति का अर्थ है जो विस्तृत तौर पर विशेष अर्थ को बताने वाला होता है, ठीक है। अगला, अब यहां पर देखने वाली बात है कि इससे पहले जो आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके व्याकरण से प्रश्न पूछा है, जो 48 से 50 नंबर का केवल व्याकरण का हिस्सा है, एक एक नंबर का हर एक विकल्प में आधे आधे अंक एक एक अंक है, अगर आपने पूरा अच्छे से लिखा है जैसा मैंने बताया तो मान के चलिए कि 48 मार्क्स आपके बंध गए हैं। अब बारी आती है हमारे लिए अगला, जो है हमारे आपके पत्र पत्रिकाओं से, ठीक है। अब यहां पर चार पत्र पत्रिका का नाम दिया है, ये भी मेरी क्लास में बहुत डिटेल में, मैंने दो दिन की क्लास में आपको चार घंटे में 200 वर्षों की पत्रकारिता को बताया था। आपको लगता होगा कि अनु मैम इतनी लंबी क्लास लेती हैं, इतना थोड़ी ना पूछता है, हर टॉपिक में मैंने बताया था कि देखिए इस टॉपिक से कभी संपादक वर्ष पूछता है, कभी संपादक स्थान पूछता है, कभी संपादक का नाम पूछता है, कभी कभी प्रश्न कहता है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका का नाम लिखिए। हर एक पॉइंट्स को लेकर मैंने अपनी क्लास में डिटेल में डेप्थ में जाकर हर एक चीज को गहराई से मैंने बताया था, मेरे लेक्चर वीडियो में ये नाम आपको जरूर मिलेंगे। और मैं बहुत डिटेल में देखिए कब के प्रकाशन स्थल, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक महोदय जो संपादक है, सारी चीजों में बता दी हूं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के संपादक और प्रकाशन का स्थान लिखे, मतलब इसको संपादित कौन करते थे और कहां से प्रकाशित होता था इसका नाम लिखना है। तो प्रजा हितैषी एक ऐसी समाचार पत्रिका है जिसका पंजीयन है जो राजनंदगांव में पहली बार किया था, है ना, प्रजा हितैषी का आपका जो रजिस्ट्रेशन है पंजीयन जो है वो किया गया था, ठीक। तो यहां पर क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर प्रजा मित्र की रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके कहां से किया गया था, राजनांदगांव में किया था, लेकिन आगरा से, है ना, प्रजा हितैषी का आगरा से जो है प्रकाशन किया जाता था, ठीक है। तो प्रकाशन स्थान क्या था उसका, आगरा से, किसके द्वारा, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा आगरा से इसका प्रकाशन जो है वो किया जाता था। हालांकि इसमें प्रकाशन वर्ष नहीं लिखा है, परंतु फिर भी मैं बता दूं कि ये कब किया जाता था, 1855 में। तो आपका उत्तर क्या होगा, प्रजा हितैषी का प्रकाशन राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा आगरा से किया जाता था। तो संपादक का और प्रकाशन स्थान का नाम लिखना है, तो आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा 1855 में प्रजा हितैषी का संपादन जो है वो किया जाता था। अब दूसरा क्या कह रहा है, कर्मवीर पत्रिका। अब देखिए ये कर्मवीर पत्रिका निकलती थी हमारे लिए कहां से, जबलपुर से। कर्मवीर पत्रिका निकलती थी जबलपुर से, इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे माखन लाल
चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य के कवि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा जबलपुर से इसका संपादन जो है वो किया जाता था। कुछ किताबों के अनुसार इसे 1919 माना जाता है और कुछ किताबें 1920 के नाम से लेकर चलती हैं। तो इसके संपादन कहाँ थे आपके 17 जनवरी। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ संपादन और उसे प्रकाशन स्थान लिखना है। तो मैं पूरा डिटेल बता रही हूं कि 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कर्मवीर पत्रिका का संपादन जो है वो किया गया था। ठीक है, अभ्युदय, ये एक राजनीतिक महापुरुष है। कौन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा अभ्युदय नामक पत्रिका स्वतंत्रता आंदोलन के समय में निकाली जाती थी। इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1907। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है आपका 1907। और ये कहां से निकलती थी? इलाहाबाद प्रयाग से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अभ्युदय नामक पत्रिका मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रयाग से निकाली जाती थी। अब आया हिंदी नवजीवन। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका थी हिंदी नवजीवन पत्रिका, जो निकाली गई थी 1921 में। प्रकाशन वर्ष था 1921 और कहां से निकाली गई थी? इसे अहमदाबाद से निकाला गया था। ठीक, तो आपको प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के संपादक का नाम और प्रकाशन का स्थान लिखना है। आपको क्या लिखना होगा? प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा आगरा से प्रकाशित की जाती थी। कर्मवीर नामक पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा जबलपुर से प्रकाशित की जाती थी। अभ्युदय नामक पत्रिका मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित की जाती थी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद से हिंदी नवजीवन पत्रिका प्रकाशन किया जाता था। क्लियर हो गया? चले अब आते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार के बारे में कहे कि नारायण लाल परमार के किसी एक काव्य संग्रह का नाम लिखना है। ठीक है, नारायण लाल परमार मूलतः गुजरात के निवासी थे और छत्तीसगढ़ में रहकर मन वचन कर्म से यहाँ की भूमि को अपनाया और छत्तीसगढ़ अंचल पर रहते हुए हिंदी और छत्तीसगढ़ ही दोनों में अपनी रचनाओं को इनके द्वारा अंजाम जो है वो दिया गया था। तो इनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ी में एक काव्य लिखा गया था वो है हमारे लिए सूरज नई मरय। इनके काव्य संग्रह का नाम है सूरज नई मरय। इसके अलावा इन्होंने हिंदी में रचनाएं लिखी। हिंदी की रचनाओं में अगर देखा जाए तो हमारे है विस्मय का वृंदावन, खोखले शब्दों के खिलाफ, कांवर भर धूप, कस्तूरी यादें, सब कुछ निष्पंद है, गंधार को गद्दार कौन, ऐसी रचना इनके काव्य संग्रह में है। पर छत्तीसगढ़ परिवेश में इनके काव्य संग्रह का नाम है सूरज नई मरय। ठीक है, दूसरा है डॉक्टर बलदाऊराम साहू के एक बाल गीत संग्रह का नाम लिखिए। तो डॉक्टर बलदाऊराम साहू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गीत लिखते हैं, बच्चों पर आधारित कथा संग्रह भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो छत्तीसगढ़ बाल गीत आमा, छत्तीसगढ़ बाल गीत है ना, इसमें इन्होंने आम पर आधारित, तो छत्तीसगढ़ बाल गीत आमा इनकी बाल गीत संग्रह का नाम है। बाकी इन्होंने कुछ कहानियों का संग्रह भी लिखा है। इस कहानियों के संग्रह में देखा जाए तो चिंकी के सपना एक गिलहरी पर आधारित छोटी सी एक कहानी है, जो आपकी चिंकी के सपना नामक कहानी लिखी गई है। गीतों का शिलालेख किस कवि की रचना है? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके ठाकुर प्यारे लाल सिंह के बेटे हरी ठाकुर की यह रचना है। ठीक है ना, गीतों के शिलालेख। गुंजी का शिलालेख अलग है और गीतों के शिलालेख अलग है। क्लियर हो गया? गुंजी का शिलालेख लोचन प्रसाद पांडे है और गीतों का शिलालेख हरी ठाकुर की रचना है। हवाओं में विद्रोह किस नाटककार की रचना है? ठीक है ना, ये हवाओं में विद्रोह किस नाटककार की रचना है? तो इसको थोड़ा सा मुझे और डिटेल में जानना होगा, क्योंकि ये हिंदी की रचना है तो हिंदी साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ के थे उनका योगदान हिंदी साहित्य में भी है। तो थोड़ा सा इसका आंसर मुझे भी ढूंढना होगा। जैसे मुझे ढूंढ कर मिल जाएगा, मैं आपको कैप्शन में इसका आंसर जो है वो मेंशन करूंगी। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13।
भक्ति काल के नामकरण पर लगातार भाई ये 3-4 साल से पूछ रहा है, 3 नंबर का 4 नंबर का। कभी सगुण भक्ति मार्ग धारा के नाम बताइए बोलता है, कभी निर्गुण कवियों के नाम लिखे कहता है, सगुण की 2 विशेषताएं लिखिए कहता है, निर्गुण मार्ग की 2 धाराओं के नाम लिखकर उनके कवि का नाम लिखिए, ऐसा जरूर पूछता है। अब 4 नंबर का यह प्रश्न है, हम इसको डिटेल करेंगे, कितने 100 शब्दों में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, 1375 से 1700 के समय को हम भक्ति काल या पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं। मुगल शासकों के आगमन से इस समय राजाश्रय समाप्त होते ही राजाश्रित कवि अपने उदर पूर्ति के लिए देवी देवताओं से संबंधित रचनाओं को करने लगे थे। उनकी रचनाएं 500 से ज्यादा भक्तिपूर्ण रचना होने की वजह से इस काल को भक्ति काल का समय और मध्य काल के पूर्व का हिस्सा होने से पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। इस समय 2 प्रकार की धारा हुई, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण की 2 धाराएं कृष्णाश्रय और आपकी रामाश्रय हुई और निर्गुण की धारा में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय हुए, जिसमें आपके संपूर्ण रूप में भक्तिपूर्ण रचना, भारत की कला संस्कृति, आध्यात्म से संबंधित बातों का उल्लेख सुनने को मिलता है। इतना लिख दिया, काफी है आपके 4 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। लास्ट ईयर भी आपको यह क्वेश्चन पूछा था, है ना, इसमें क्या पूछा था, हिंदी साहित्य के प्राचीन आर्य भाषा का वर्णन कीजिए दिया था, जिसमें संस्कृत के बारे में लिखना था। यहाँ कह रहा है उसके विकास क्रम का वर्णन कीजिए संक्षिप्त रूप में, तब कैसे लिखेंगे, 4 नंबर का है ये भी। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं तो हिंदी भाषा के विकास को 3 वर्ग में बांटा गया है, प्राचीन आर्य भाषा जिसके 2 पक्ष थे, वैदिक और लौकिक। वैदिक का प्रयोग प्रथम 4 वेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों को धर्म सूत्रों को लिखने के लिए किया गया, सरल रूप में सहज और लोक व्यवहार के लिए संस्कृत का प्रांजल रूप लौकिक संस्कृत कहलाई, जिसमें उसके विशेष तौर पर आपके काव्यों को, नाटकों को, पुराणों और शास्त्रों को लिखने के लिए किया गया था। मध्यकाल में प्रथम पाली भाषा थी जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश को लिखा गया, दूसरी प्राकृत भाषा जिसमें महावीर के उपदेशों को लिखा गया। इस समय अपभ्रंश की 7 प्रकार की शाखाएं हुई। आधुनिक काल के आते आते इसी अपभ्रंश की कुछ शाखाओं ने साहित्य की भाषा का दर्जा प्राप्त किया, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधि भाषा साहित्य की भाषा बनी। आधुनिक आर्य भाषा के समय तक पहला प्रयोग 14वीं शताब्दी में खुसरो के द्वारा आपकी खड़ी बोली का प्रयोग करके कह मुकरियों और पहेलियों को जन्म दिया गया और 19वीं शताब्दी में समाचार पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत, टाइपराइटर मशीन, पब्लिकेशन हाउसेस के होने से खड़ी बोली साहित्य के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी पहचान बनाई और महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में सुधार होने के बाद भारतेंदु युग में जन्म, भारतेंदु युग से द्विवेदी युग में सुधार और छायावादी में स्वर्णिम युग तक पहुंचकर अंततः स्वतंत्रता के बाद इसे हिंदी भाषा का दर्जा दिया। और इस तरह विकास क्रम क्या हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके बाद खड़ी बोली, फिर हमारी आ जाएगी आपकी हिंदी, प्रारंभिक हिंदी और हिंदी। तो अगर आप इसको इतना डिटेल में ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो आपका जो 3 आर्य भाषा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा, उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 14 जो है अनसीन पैसेज, और क्या कह सॉरी आपका संक्षेपण से, और क्या कह रहा है, 8 नंबर का इस बार संक्षेपण से प्रश्न पूछा है। आपके शीर्षक में जो हमेशा 1 नंबर और संक्षेपण में 5 नंबरों का 6 नंबर का होता था, इस बार 8 नंबर का है कि टॉपिक में आपको 2 नंबर है और 6 नंबर उसके संक्षेपण में है। संक्षेपण करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो लाइन दिया होगा उसमें आपको लिखना है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है, इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को भी प्रकाश भी उससे मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवों का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न
तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। कहा भी गया है कि शेर, शूर, शायर और सपूत किसी के द्वारा बनाई गई लीक पर नहीं चलते, वे अपना पथ खुद ढूंढ निकालते हैं। पौरुष अपना पथ स्वयं गढ़ता है, यह बात हिम्मत वालों के लिए ही तो कही गई है। अरे, आप में हिम्मत ही नहीं है तो जिंदगी किस काम की? पराजित जिंदगी भी जिंदगी होती है। इसलिए हिम्मत करो, अपना मार्ग खुद बनाओ और जिंदगी को सफल करो। अगर आप इस पैराग्राफ को 2 से 3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा कि साहस भरी जिंदगी है। जिंदगी में साहस का महत्व, या साहसी व्यक्ति हो सकता है कि साहस और पुरुषार्थ हो सकता है। तो कुल मिलाकर इसका टॉपिक 2 नंबर का है, जो साहस से संबंधित कोई भी शीर्षक आपके मत के अनुसार यहाँ पर हो सकता है। और इसको 1/3 हिस्से में लिखना है, यानी आप इसके वर्ड्स को काउंट करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा काउंट करेंगे, और हो सकता है ये हमारे लिए 130 वर्ड में हो, 130 में होगा, तब इसका एक हिस्सा आपको 1/3 हिस्से में लेकर चलना है। अगर ये 150 शब्दों का है तो 45 शब्द का होगा, और इस तरह आप शीर्षक कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में पैक करेंगे, नो इंट्रोडक्शन, नो कंक्लूजन, नथिंग, यहाँ से आप जो है वो लिखेंगे। मान लीजिए आपके 3 लाइन में इसकी समाप्ति हो जाती है तो मूल शब्द सीमा है ना, मूल शब्द कितना है, मान लीजिए ये आपका 150 है ना, तो आपके द्वारा जो संक्षेपण है उसकी शब्द सीमा क्या होगी, उसका 1/3 हिस्सा, तो क्या बनेगा, यहाँ 15 या 45 है, तो यहाँ पर आपका 45 शब्द हो जाएगा, 1/3 हिस्से में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको आपको जो है संक्षेपण करते समय 2 से 3 बार पढ़ना होगा, इसके शब्दों को काउंट करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या सकते हैं कि मनुष्य का जीवन साहस से भरा होना चाहिए, जो बिल्कुल बेखौफ होना चाहिए, तमाश भी इनकी तरह लोगों को देखकर किसी प्रकार का साहस करने की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य दूसरों को देखकर उनके अनुसार चलते हैं वो साहसी नहीं होते हैं, क्योंकि साहसी मनुष्य दूसरे के बनाए गए रास्तों पर नहीं चलते। वीरता जो भी हो, जिसमें पराजित हो जाए तो भी जिंदगी जो है व्यर्थ नहीं होती है, क्योंकि हिम्मत है तो जिंदगी में साहस है तो हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। और इस तरह आपको यहाँ पर पूरे पैराग्राफ का आंसर जो है वो मेंशन करना होगा। अब बारी आती है अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज में आपके 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ऐसा पैराग्राफ देगा जहां पर 1-लाइनर क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही यहां पर आपके कुछ लाइन को अंडरलाइन कर दिया जाएगा जिसके बारे में आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। लोभ के कारण एक मील खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है बल्कि उसका उदात्तीकरण करना है, शमन करना है, उन्हें स्वस्थ दिशा देनी है। सद्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा को प्राप्त करते हैं और निस्वार्थ तथा इच्छा से मुक्त होकर भी धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त करते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महान आदर्शों को आंखों से ओझल होने नहीं देते। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करना चाहता है तो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत्तर परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा करने के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। अब दिया है साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज के भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए, इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब इसी पैराग्राफ को 3 बार अगर आप पढ़ते हैं, 2 बार अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको प्रश्न जो पूछा है उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। क्या मनुष्य आगे बढ़ने के लिए इच्छा और लोभादि के कारण प्रेरित होता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा, यहां पर देखने वाली बात है,
तो इसका प्रश्न क्या बोला है, क्या मनुष्य आगे बढ़ने के लिए इच्छा और लोभादि के कारण प्रेरित होता है? तो आंसर क्या होगा, नहीं। मनुष्य आगे बढ़ने के लिए इच्छा और लोभादि से प्रेरित नहीं होता, बल्कि सत्कर्तव्य भावना से प्रेरित होता है, आदर्श से प्रेरणा प्राप्त करता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि मनुष्य आगे बढ़ने के लिए इच्छा और लोभादि से प्रेरित नहीं होता, बल्कि वह कर्तव्य भावना से प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर टू, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का रुख क्या होना चाहिए? तो आप क्या लिखेंगे, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्त होकर साहस पूर्व कर्म करते हुए आपको क्या अपने कार्य को करना होगा कि आदर्श की कीमत पर आदर्श को छोड़कर उन्नत प्राप्त करना उनको शोभा नहीं देता। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर इसका बनेगा कि आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष को क्या करना चाहिए, निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्त होकर धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करते रहना चाहिए। इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं बल्कि प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए प्राय करना ही, सत्कर्तव्य को करना ही इच्छाओं का उदात्तीकरण है। क्लियर हो गया। अब दिया है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या 100 शब्दों में कीजिए। क्या है रेखांकित पंक्ति, साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज के भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति, अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति साधक को अपने कर्तव्य से उठकर समाज के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर समाज के हित और परोपकार के लिए सत्कर्म पर चलते हुए अपने आदर्श को पूरा करना चाहिए। इस तरह 100 शब्द में इसको आपको लिखना है, जिसमें 5 नंबर दिया है, बाकी में एक एक नंबर, तो इसको बहुत डिटेल में आपको लिखना होगा और ये भी आपको फुल मार्क्स देते हैं। तो सोचने वाली बात है कि संक्षेपण जो 6 नंबर का होता था, इस बार 8 नंबर का पूछा है। जो अनसीन पैसेज 6 नंबर के होते थे, इस बार भी आपके अनसीन पैसेज आपको 8 नंबर का दे दिया गया है। अब बारी आती है पत्र लेखन, जो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनता है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, अनुस्मारक को स्पष्ट करते हुआ उसका एक प्रारूप भी लिखिए। ये है आपके 4 नंबर का। तो मान के चलिए बेटा अनुस्मारक में आपका 1 नंबर है, 3 नंबर उसके फॉर्मेट में है ना, तो 1 और 3 के अंतर पर 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो अनुस्मारक को स्पष्ट करते हुए उसका प्रारूप लिखना है, मतलब आपको क्या बनानी है, उसकी रूपरेखा बनानी है। और इस आधार पर आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा अनुस्मारक। हो सकता है आपको 4 लाइन दिया हो, तो आप उसको 2 पेज में बांट लेंगे, यानी कि अगर 4 लाइन दिया है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ऐसी सिचुएशन में आप उसको 2 हिस्से में बांट लीजिए। ठीक है, अब ये बन गया पेज नंबर 1 और ये बन गया पेज नंबर 2। अब यहां पर आप लिख देंगे जैसे कि हमारा अनुस्मारक। ठीक है, आप क्या लिखेंगे कि अनुस्मारक क्या होता है। ठीक है, तो अनुस्मारक क्या होता है, मैंने बताया था कि अनुस्मारक को संस्मरण पत्र भी कहा जाता है। जब किसी कार्यालय या किसी मंत्रालय में पूर्व पत्र पर मांगी गई किसी सूचना, निर्णय, टिप्पणी से यदि उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई है, उस पत्र के जवाब को प्राप्त करने के लिए जब उन्हें याद दिलाने हेतु कोई पत्र लिखा जाता है, तब उसे अनुस्मारक पत्र कहा जाता है ना। किसी पत्र का प्रयोग कर दिया गया, पहले पत्र भेजा गया था परंतु अब तक उसका जवाब आपको मिला नहीं है, तो किसी भी मंत्रालय या किसी भी कार्यालय के द्वारा पहले भेजे गए पत्र के जवाब में यदि आपको जानकारी नहीं है, तो फिर से उनके कार्य को याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाएगा उसे अनुस्मारक कहा जाता है। अनुस्मारक की रूपरेखा क्या होती, मैंने क्लास में बताया था, यदि शासकीय पत्र भेजा गया होगा तो अनुस्मारक का फॉर्मेट भी शासकीय पत्र में होगा। यदि वो हमारे लिए आपके अर्थशासकीय पत्र के रूप में भेजा गया होगा तो उसी रूप में होगा। अगर कार्यालय ज्ञापन के रूप में भेजा गया होगा तो आपका अनुस्मारक भी उसी रूप में लिखा जाएगा। मान लीजिए ये आपको शासकीय पत्र के फॉर्मेट में लिखा गया है,
आपको केवल एक प्रारूप लिखना है, मतलब सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, शासकीय पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। शासकीय पत्र में हम यहाँ लिखते हैं भारत सरकार, ठीक है, साथ ही जिस मंत्रालय के द्वारा उस पत्र को भेजा जा रहा है वो लिखा जाएगा, ठीक है। किसी भी शासकीय पत्र में पत्र का क्रमांक है जो लेफ्ट में लिखा जाएगा, ठीक है, इधर लिखा जाता है लिखने वाले जगह का स्थान, ठीक है, और लिखा जाता है हमारा दिनांक, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं हमारे लिए प्रेषक, है ना, प्रेषक होता है जिसका हम नाम, पद और उसका पता लिखते हैं, ठीक है। फिर होते हैं सेवा में कहकर प्रेषिति, उनका होता है नाम, पद और पता, ठीक है। इतना होने के बाद में अनुस्मारक की खासियत होती है कि हमें बीच में यहाँ पर लिखना होता है अनुस्मारक, ठीक है, और एक हम करते हैं अंडरलाइन, ठीक है, बीच में हम करते हैं अंडरलाइन, ठीक है। इस आधार पर अगर देखने वाली बात होती है तो प्रेषक और प्रेषिति होता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो प्रेषक है उसके बाद में यहाँ लिखा जाता है अनुस्मारक को, ठीक है, उसके बाद में यहाँ हो जाते हैं हमारे लिए प्रेषिति, जिनको जो है वो भेजा जा रहा है, ठीक है। साथ ही इसके बाद हमारे लिए हो जाते हैं विषय, ठीक है, चूंकि ये पत्र रिमाइंडर लेटर है इसलिए पिछले पत्र का हम यहाँ पर संदर्भ या हमारा रेफरेंस देते हैं। इसके बाद में हम स्तर के अनुसार उनका संबोधन करते हैं और संबोधन करने के बाद शासकीय पत्र की जो रूपरेखा है वो शासकीय पत्र से जो है वो आपके कुछ वाक्यांशों से शुरुआत होती है। कृपया पत्र क्रमांक डैश 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 के संदर्भ में आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि ऐसा कहकर हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को जो है वो लिखेंगे, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कृपया पिछला पत्र क्रमांक, जो आपका कोई भी पत्र भेजा गया रहा होगा उसका नंबर लिख देंगे कि कृपया पत्र क्रमांक ये, दिनांक ये, पिछला ना, अभी वाला, वर्तमान वाला नहीं। अब क्या लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे, कृपया पत्र क्रमांक, है ना, डैश 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 के संदर्भ में, है ना, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ऐसा कहकर आप सेंटेंस को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप जब पत्र समाप्त हो जाएगा तब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, भवदीय, यहाँ आप क्या लिखेंगे, आपका भवदीय। इसमें किसी प्रकार का धन्यवाद वगैरह का नहीं होता। यहाँ पर फिर वो जो अधिकारी है, उस जो पत्र को लिख रहा है उसका पद नाम होगा और कहाँ वो कार्य करता है उसका पता जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड में आ जाती है हमारे लिए संलग्न वाला हिस्सा, और ये संलग्न वाला हिस्सा क्या होगा, जो आप पिछले पत्र की फोटोकॉपी होगी और जो वर्तमान पत्र है इसकी छाया प्रति आप संलग्न कर रहे होंगे, वो आप लिखेंगे कि पत्र क्रमांक डैश 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 निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, है ना, क्या लिखेंगे, पत्र क्रमांक डैश 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 निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, ठीक है ना। अब निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित कहते हैं, है ना, सूचनार्थ प्रेषित। अब इतना लिख दिया आपने, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ठीक है, तो संलग्न क्या कर रहे हैं आप, ये आपका पृष्ठांकन हो जाएगा बेटा, ये आपका पृष्ठांकन होगा। संलग्न में क्या होगा, पूर्व पत्र का जो नंबर होगा और वर्तमान पत्र का नंबर, और पृष्ठांकन में क्या होगा, पत्र क्रमांक निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, ऐसा कह के यदि चाहे तो अंत में वो अधिकारी अपना हस्ताक्षर फिर करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अनुस्मारक क्या है, तो ध्यान से समझेंगे, जब किसी मंत्रालय और कार्यालय में पहले भेजे गए पत्र के उत्तर से जो भी सूचना या जानकारी मांगी गई थी वो अब तक प्राप्त नहीं हुई है, तो उस पत्र को प्राप्त करने के लिए, उस उत्तर को प्राप्त करने के लिए जब उसे पुनः
स्मरण के तौर पर पत्र लिखा जाएगा तब उसे अनुस्मारक या उसे संस्मरण पत्र कहा जाता है। इसकी रूपरेखा कैसी होती है? इसकी रूपरेखा जो है शासकीय पत्र के रूप में है तो वही रूप होगा, अर्धशासकीय पत्र है तो वही रूप में होगा, कार्यालय ज्ञापन के रूप में है तो जिस रूप में पहले पत्र भेजा गया था अनुस्मारक की रूपरेखा भी उसी पत्र के अनुसार होती है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक, प्रपत्र से क्या आशय है? प्रपत्र का एक नमूना भी लिखिए। अब देखिए यहां पर प्रारूप अलग कह रहा है और नमूना अलग कह रहा है। प्रारूप में हम फॉर्मेट लिखते हैं, अब यहां पर दिया है प्रपत्र का नमूना प्रस्तुत करना है। इसमें किसी भी प्रकार का अपना रोल नंबर, अपना नाम, शहर का नाम, पता कुछ भी नहीं लिखना है। या तो ए बी सी लिखें या एक्स वाई जेड लिखें, क ख ग लिखें या अ ब स लिखें। तो प्रपत्र से क्या आशय है कहता है, ठीक है ना। तो देखने वाली बात है कि हमारा प्रपत्र क्या होता है, ठीक है। तो प्रपत्र क्या होता है? एक विशेष प्रकार का छपा हुआ या टाइप किया हुआ एक पत्र जिस पर आवेदनकर्ता से कुछ विशेष जानकारी उसके विषय में मांगी जाती है उसे प्रपत्र कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम आवेदनकर्ता से जानकारी मांगते हैं। और परिपत्र क्या होता है? परिपत्र में जानकारी दी जाती है और प्रपत्र में जानकारी मांगी जाती है। तो प्रपत्र क्या होता है कि कभी कभी कार्य और अवसर के आधार पर आवेदनकर्ता से कुछ विशेष प्रकार की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है, इसलिए एक विशेष प्रकार का छपा हुआ या टाइप किया हुआ पत्र होता है जिसके माध्यम से आवेदन कर्ता से कुछ उनके विषय में विशेष जानकारी मांगी जाती है जो आवेदनकर्ता के द्वारा भरी जाती है तो उसे हम प्रपत्र के नाम से जानते हैं। तो प्रपत्र में अगर देखा जाए तो प्रपत्र के नमूना में एक तो जाति प्रमाण पत्र वाला हो सकता है, आप लिख सकते हैं, या तो हमारे लिए जाति निवास, मतलब ये देखने वाली बात है कि ये जो होता है ना ये सरकारी कार्यालयों में, गैर सरकारी कार्यालयों में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, है ना, जहां भी, बैंक में, हर जगह जो आप फॉर्म भरते हैं, है ना, जैसे आप पीएससी के लिए फॉर्म भरते हैं, स्कूल और कॉलेज के एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं, बैंक में खाता खुलवाते समय फॉर्म भरते हैं, रेलवे आरक्षण के लिए, टिकट के लिए आप अगर फॉर्म भरते हैं, कुल मिलाकर जब आप वहां पर जानकारी देते हैं तो उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है प्रपत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोफार्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सरकारी कार्यालय में छपा हुआ होता है जिसमें केवल टिक लगाया जाता है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी फॉर्म को भरते हैं, जैसे पीएससी वाला फॉर्म को भरते हैं, है ना, तो पीएससी वाले फॉर्म को भरते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर होता है आपका भारत सरकार, ठीक है ना। और अगर आप जाति प्रमाण पत्र का भी प्रयोग करते तो क्या कहते हैं, मैं, है ना, क्या कह सकते हैं कि यह सूचित किया जाता है कि मैं डैश 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 लिखा होगा, फिर पिता डैश डैश डैश, ग्राम डैश डैश, उम्र इतनी, ये सब आपके जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र में एक छपा हुआ होता है। अगर आप पीएससी का करते हैं, है ना, तो क्या होता है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है ना, रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है ना, ये आपका हो गया, है ना, ये हो गया आपका एड्रेस, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार हो गया, ठीक है ना। आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्र, ठीक है, आवेदक का व्यक्तिगत वितरण पत्र है, यहां पर उसकी फोटो होगी, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर होगा आपका आवेदित पत्र का नाम, ठीक है ना, आवेदित पत्र का नाम है कि आप किस पत्र के लिए यहाँ पर आप जो है वो प्रयोग करें, ठीक है ना। तो पत्र का क्रमांक, यानी कि यहाँ ऊपर होगा आपका पत्रांक, पत्र का क्रमांक, आवेदित पत्र का नाम, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका होगा आवेदन की तिथि,
है ना, जिसमें साक्षात्कार की आपकी तिथि हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिखते जाएंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर के द्वारा 6 प्रति में मांगी जाएगी, यहाँ फोटो हो जाएगा, यहाँ पत्र का क्रमांक, आवेदित पत्र का नाम, आवेदन की साक्षात्कार की तिथि लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे आवेदक का नाम, ठीक है, आपका लिखेंगे आवेदक का नाम, ठीक है, ये आपके भरा जाएगा। फिर ना उसके बाद में लिखेंगे आवेदक का नाम हो गया, है ना, उसके बाद में पिता का नाम हो गया, ठीक है, इसके बाद में आपके जितने भी होंगे, तो आवेदक का नाम, पिता का नाम, ठीक है ना, आवेदक की उम्र क्या होगी, ठीक है, ये आपके सारे मेंशन कर जाएंगे। तो जितने जितने चीजें मांगी जाएंगे उसको आपको भरना होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि पत्र का क्रमांक भर दिया, आवेदित पत्र का नाम भर दिया, आवेदन और साक्षात्कार की तिथि क्या है, आवेदक का पूरा नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी जो उम्र के बाद में अगर हम देखें तो उसकी शैक्षणिक योग्यता का है, स्थानीय पता क्या है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का निवासी है तो कितने वर्षों से है, कौन सी जाति को बिलोंग करता है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता के बाद में उसकी अर्हताएं कितनी है, क्या उसने कहीं और जॉब किया है, तो किस वर्ष में कितने समय के लिए कितने वेतन पर काम किया, ये आपके संपूर्ण ब्यौरा आपको देना है। यदि आपको किसी पद या किसी कार्य के लिए राजकीय पुरस्कार मिला है उसका उल्लेख करेंगे, आपकी हॉबी क्या है, रुचि और अभिरुचि क्या है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद में जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है तब यहाँ पर एक होता है शपथ, है ना, ये आपके द्वारा भरा जाएगा कि मैं अपना नाम लिखेंगे, आपको सूचित करता हूँ कि जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा लिखी गई है या दी गई है पूर्ण सत्य है, किसी भी प्रकार की गलती का पाए जाने पर मेरे आवेदन को निरस्त किए जाने का आपको अधिकार है। इस सब होने के बाद में नीचे कार्यालय हेतु, है ना, कार्यालय हेतु कार्य होगा, यहाँ पर आपकी जो है वो रिसिप्ट वाला हिस्सा होगा, ठीक है ना, और अंत में आप यहाँ पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, अंत में आप यहाँ पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपके चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी अगर आप किसी प्रकार की जानकारी मांगी जा रहे हो उसको भर के दे रहे हैं तो उसे प्रपत्र कहा जाता है। एक बार और समझेंगे कि प्रपत्र क्या होता है, एक विशेष प्रकार का छपा हुआ या टाइप किया गया एक पत्र जिसमें आवेदनकर्ता से विशेष प्रकार की जानकारी मांगी जाती है तो उसे कहा जाता है प्रपत्र, ठीक है। तो मैंने आपको पीएससी का जो इंटरव्यू का फॉर्म आता है उसके हिसाब से बताया, आप चाहें तो जो आप कॉलेज में अगर किसी चुनाव में खड़े हो रहे हैं उसके लिए जो पत्र होता है उसकी रूपरेखा मेंशन कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो जाति प्रमाण पत्र का मेंशन कर सकते हैं, किसी भी तरह के एक फॉर्मेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि विज्ञापन से क्या अभिप्राय है, विज्ञापन एवं ज्ञापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का, यानी कि विज्ञापन है 2 नंबर का और विज्ञापन और ज्ञापन में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो विज्ञापन क्या होता है, तो विज्ञापन है जब किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान के द्वारा किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा किसी आवश्यकता, अपेक्षा, कार्यक्रम की योजना, जानकारी को बड़े जनसमूह तक दूर दूर तक एक साथ पहुंचाना हो तो जनसंचार के जिन माध्यमों का, समाचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, रेडियो आदि सुविधाओं का सहारा का प्रयोग करके जब जन जन तक प्रचार और प्रसार किया जाता है तब उसे विज्ञापन कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो आप विज्ञापन के बारे में इस प्रकार की प्रक्रिया को लिखेंगे। एक बार और मैं समझा दूं कि विज्ञापन क्या है, तो जब किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान के द्वारा किसी एक व्यक्ति या किसी अपनी आवश्यकता, अर्हता, योग्यता, कार्यक्रम की योजना, जानकारी को एक साथ बड़े जन समूह तक या दूर दूर तक पहुंचाना हो तो जनसंचार के माध्यमों का सहारा लेकर जिस प्रकार के प्रचार और प्रसार करवाए जाते हैं उसे विज्ञापन कहा जाता है। तो अब कह रहा है कि विज्ञापन और ज्ञापन क्या है, तो ज्ञापन क्या होता है कि शासकीय पत्राचार में ज्ञापन उसे कहते हैं जो किसी साधारण संदेश के लिए अपने समकक्ष या अपने से कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को या कार्यालयों को लिखा जाता है,
ठीक है। जब हम ज्ञापन की बात करते हैं और विज्ञापन की, तो विज्ञापन और ज्ञापन में क्या अंतर होता है कि विज्ञापन में जन संचार का सहारा लेकर अपने उत्पाद की प्रक्रिया, उसके प्रचार प्रसार, उसकी उपयोगिता को बड़े लुभावने ढंग से किसी भी संचार के माध्यमों से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि ज्ञापन का प्रयोग है जो किसी शासकीय कार्यालयों में या निजी संस्थानों में पत्र व्यवहार के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति का स्थानांतरण, किसी व्यक्ति की पदोन्नति, किसी कर्मचारी की स्पष्टीकरण मांगना हो या अनेक प्रकार की अनुमति देने, कार्यालय की व्यवस्था की संबंधित जानकारी करने के लिए हम ज्ञापन का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञापन का प्रयोग पत्र पत्रिकाएं, जो आपकी जो आवेदनकर्ता के द्वारा जो आपके पत्र दिए हैं उसके जवाब देने के लिए, उस पर आवेदन की स्वीकृति और अस्वीकृति की सूचना देने के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। चेतावनी देने के लिए भी कार्यालय में ज्ञापन जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी की स्थानांतरण है, वेतन वृद्धि है, किसी की तैनाती कहीं कर दी गई है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेशों और नियुक्ति और सूचनाओं को जानकारी देना होता है, तब ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। कि विज्ञापन क्या है? समाचार पत्र पत्रिकाएं और जन संचार की सुविधाओं का सहारा लेकर अपने उत्पाद की प्रक्रिया, अपने किसी क्रय विक्रय को किसी आवश्यक कार्य हेतु उनसे आप निविदा या हम किसी प्रकार के टेंडर को मंगवाने के लिए भी विज्ञापन जारी करते हैं। किसी पद की रिक्ति है, उस पद की पूर्ति करने के लिए भी विज्ञापन जारी किया जाता है। अपने उत्पादन की प्रक्रिया को लोगों तक लुभावने तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी विज्ञापन के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने उत्पाद की बिक्री, उसकी गुणवत्ता को लोगों तक पहुंचाने के लिए लुभावने तरीके से उसका प्रयोग करता है। परंतु प्रशासन के अंतर्गत भी समाचार पत्र पत्रिकाओं में किसी शासकीय जो योजना है, जैसे कि आपके भवन निर्माण है या आपके केनाल का पिचिंग का काम करना है या कहीं आपके स्कूल की मरम्मत का काम करना है, कोई सड़क बनाना है, किसी आवेदन में किसी पद की रिक्ति हो गई है उसको पूरा करना है, उन सब के लिए भी जन संचार के माध्यमों का सहारा लेकर अगर प्रचार प्रसार किया जाए उसे विज्ञापन कहते हैं। मैं बहुत डिटेल में बता रही हूं चीजें, बस आपको उत्तर को सटीक और शॉर्ट तरीके से आपको वहां पर लिखना होगा बेटा, ठीक है। चलिए अब कहता है शासकीय पत्र से क्या आशय है, इसकी रचना शैली को स्पष्ट करते हुए एक नमूना प्रस्तुत कीजिए 4 नंबर का। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 16 नंबर का प्रश्न आपके पत्र लेखन से पूछा गया है, ठीक है ना। 16 नंबर यानी कि 100 नंबर के प्रश्न में 16 नंबर केवल एक टॉपिक से, यानी कि सबसे ज्यादा स्कोर करने के लिए अगर हमको मेहनत करनी होगी तो 16 नंबर के इस प्रश्न पर मेहनत करनी होगी। अब शासकीय पत्र क्या होता है? सरकार के अंतर्गत 2 हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। शासन के अंतर्गत किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए तो शासकीय अधिकारियों के मध्य या किसी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को या केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को शासकीय नीति की योजनाएं या शासकीय कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जो पत्र व्यवहार किया जाता है, राजभाषिक शब्द में उसे शासकीय या सरकारी पत्र कहा जाता है। किसी प्रकार का आदेश अगर केंद्र सरकार देखती है तो वह पत्र केंद्र का शासन आदेश पत्र हो जाएगा, और राज्य सरकार देती है तो राज्य का शासन आदेश पत्र हो जाएगा। तो शासकीय या सरकारी पत्र क्या होता है? सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों के मध्य सरकारी कार्य व्यवहार के कार्यों का संपादन करने के लिए जो पत्र व्यवहार किए जाते हैं उसे शासकीय या सरकारी पत्र कहा जाता है। इसकी रचना शैली क्या होती है? तो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें पत्र का क्रमांक, प्रेषक कार्यालय का नाम पता जो है वो विशेष होगा, साथ ही प्रेषक का नाम पद और पता, प्रेषिती का नाम पद और पता, विषय और संदर्भ का उल्लेख, इसके अलावा स्तर के अनुसार संबोधन, अगर कोई पिछला पत्र है तो उसके संदर्भ की व्याख्या की जाएगी, और संबोधन करते हुए इसको विशेष तौर पर कुछ शासकीय पत्र की 35 प्रकार की वाक्यांश होते हैं। आपके पत्र संख्या, इसके संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके पत्र क्रमांक डैश 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 के संदर्भ में मैं आपको आदेशित करता हूं कि मुझे यह आदेशित करते हुए हर्ष हो
हो रहा है कि या आपके पत्र संख्या संदर्भ में उत्तर देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इस प्रकार के वाक्यांशों से इस शासकीय पत्र की क्या होती है, शुरुआत होती है। अंत में बाएं हाथ की ओर नहीं बल्कि दाएं हाथ की ओर एक अधिकारी जो पत्र को लिख रहा है वह अपना हस्ताक्षर करता है और बाएं हाथ की ओर पत्र जिनको भेजा जाना है उनके आपके संलग्न करने वाले पृष्ठांकन वाले हिस्से को लिखा जाता है। तो यहां पर इसमें किसी प्रकार का आपको कोई भी नाम वाम नहीं करना, इसकी रचना शैली है एक नमूना प्रस्तुत करना है। यहां पर अगर आप चाहें तो एक फॉर्मेट बस बनाना है। तो शासकीय पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है, शासकीय पत्र का फॉर्मेट जो अनुस्मारक वाली श्रेणी में मैंने बताई कि सबसे पहले यहां पर हो जाएगा हमारा भारत सरकार। अब देखने वाली बात है कि अगर वो उत्तर प्रदेश सरकार कह रहा है तो लखनऊ हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार कह रहा है तो भोपाल हो जाएगा, भारत सरकार कह रहा है तो दिल्ली हो जाएगी और छत्तीसगढ़ सरकार कहता है तो रायपुर हो जाएगा, ठीक है ना। जिस मंत्रालय के द्वारा लिखा जा रहा है उस मंत्रालय का नाम लिखेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है ना, गृह मंत्रालय है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, जो भी मंत्रालय के द्वारा पत्र व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इसकी खरे होती है, यहां पर आप लिखते हैं पत्र का क्रमांक, ठीक है ना, पत्र का क्रमांक लिखते हैं। यहां लिखा जाता है आपका स्थान, ठीक है, और यहां लिखा जाता है दिनांक, ठीक है। इसके बाद में यहां आ जाते हैं आपके प्रेषक, प्रेषक कौन, जो पत्र को भेज रहे हैं उनका नाम पद और पता, ठीक है। यहां पर हम प्रेषिति, प्रेषिति यानी सेवा में कहकर हम उस अधिकारी का नाम पद और पता लिखेंगे, जैसे कि प्रेषक है उप सचिव शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रेषिति है आपके अवर सचिव, ठीक है ना, आप यहां पर पद का पता जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो प्रेषक का नाम यानी कि प्रेषक का पद नाम और उसका पता लिखेंगे, उसी प्रकार प्रेषिति सेवा में कहकर उनका हमारे लिए पद नाम लिखा जाएगा, ठीक है, और वो कहां पर पदस्थ हैं उस स्थान का नाम जो है वो लिया जाएगा। इसके बाद बारी आती है यहां पर हमारे लिए विषय की, ठीक है ना। विषय आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी, आपको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है विषय, तो किसी भी मंत्रालय के द्वारा किसी एक पत्र को जारी करते हुए कोई भी विषय यहाँ पर आपके द्वारा लिखा जा सकता है। जैसे कि छात्रवृत्ति अनुसंधान हेतु एक पत्र, ठीक है, छात्रवृत्ति अनुसंधान हेतु एक पत्र, ठीक है, इसका उल्लेख यहाँ पर विषय के तौर पर कर दिया। इसके बाद आता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब वो होता है अगर इस विषय से संबंधित कोई पत्र व्यवहार किया गया होगा तो उसका उल्लेख किया जाएगा कि पत्र क्रमांक। तो ये जो वर्तमान में जो नया पत्र क्रमांक है संदर्भ में पिछले पत्र का उल्लेख जो है वो होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे लिए महोदय, ठीक है। शासकीय पत्र के अंतर्गत देखिएगा बेटा, शासकीय पत्र के अंतर जो आपके संबोधन है वो अलग अलग होते हैं। शासकीय पत्र में संबोधन के तौर पर महोदय और महोदया का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ आपके फिल इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए आप चाहें तो फिर से यहाँ पर आप स्थान और अगर चाहें तो दिनांक जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद महोदय, ठीक है ना, आप क्या लिखेंगे, आपके पत्र क्रमांक, आपके पत्र क्रमांक डैश 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 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि, इतना कहकर आपको पत्र को क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद में अब आपका यहां पर पत्र समाप्त हुआ, तब यहां पर क्या आ जाता है, पत्र समाप्त हुआ तो भवदीय, भवदीय में कौन हो जाएंगे, भवदीय में जो प्रेषक पत्र को लिख रहे हैं उनका नाम होगा किसका, पद का, जैसे कि हमारे लिए अवर सचिव, है ना, अवर सचिव। अब उनका जो स्थान है कार्य करता है, अब अगर हमारे लिए भारत सरकार है तो अवर सचिव, ठीक है ना। अब वहां पर आप लिख सकते हैं आपके नई दिल्ली लिख सकते हैं, आपके जो शिक्षा मंत्रालय लिख सकते हैं, जिस मंत्रालय के द्वारा लिखा जा रहा है उनके पद का उल्लेख होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, संलग्न वाला हिस्सा हो जाएगा या यहां पर हमारे लिए प्रतिलिपि वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक। अब जो प्रतिलिपि वाला हिस्से को हम पृष्ठांकन कहते हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहां पर, पत्र क्रमांक
अब ये कौन सा पत्र होगा बेटा? ये जो हम यहाँ पर वर्तमान पत्र क्रमांक लिख रहे होंगे ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, पत्र क्रमांक डैश 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 निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषित, है ना, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जिसको जिसको आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि अवर सचिव, संयुक्त सचिव, ठीक है ना, आपके कुलपति, जिनको जिनको आपको करना है, और अंत में एक बार यह अधिकारी फिर से अपना हस्ताक्षर जो है वो करता है, ठीक है। और हस्ताक्षर जो है वो आप क्या लिखेंगे, क ख ग अ ब स, पद के नाम में भी प्रति या सेवा में श्रीमान क ख ग, इस प्रकार का प्रयोग जो है वो आपके द्वारा किया जाएगा। तो प्रश्न ने क्या कहा था, प्रश्न ने कहा था शासकीय पत्र से क्या आशय है, इसकी रचना शैली को स्पष्ट करते हुए एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। इसमें शासकीय पत्र लेखन में आप नाम नहीं लिखेंगे, रोल नंबर नहीं लिखेंगे, शहर का नाम या किसी भी प्रकार का नाम का उल्लेख नहीं करना है, और ऐसे रूपरेखा में पत्र क्रमांक डैश, ये आपके फॉर्मेट जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगर आपको एक नमूने के तौर पर विषय दे दिया जाता तब आपको वो आवेदन जो है वो प्रस्तुत करना पड़ता, ठीक। चलिए अब आते हैं हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कहता है, यहाँ पर आपके अनुवाद लेखन से प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप लिखिए, यानी कि यहाँ पर आपको प्रशासनिक शब्द दे दिया गया है, 4 नंबर का है, 4 विकल्प है, एक एक विकल्प पर एक एक नंबर, जैसे कि राजपत्रित। अब जो हमारे राजपत्रित अधिकारी होते हैं उसे गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं, इसलिए राजपत्रित को गैजेटेड कहा जाएगा। मानदेय जो आपके यहाँ द्वारा दिया जाता है होनोरेरियम कहा जाएगा। कोषाधिकारी जो ट्रेजररी ऑफिसर होता है तो ट्रेजररी होगा, और इसी प्रकार संकल्प को रेजोल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद इसी का दूसरा पक्ष क्या कहता है, दूसरा पक्ष है कि इंग्लिश का सेंटेंस दिया है जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है, जैसे द हेडक्वार्टर ऑफ कोरबा डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल ऑफ सिटी रायपुर। सेकंड कहता है देयर इज नो रूम इन द कार। तीसरा कहता है पंडवानी छत्तीसगढ़ सोलो ड्रामा विच इज ऑल्सो नोन बाय द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, और फोर्थ कहता है आई हैव गोन थ्रू द केस केयरफुली। अब देखने वाली बात है देयर इज नो रूम इन द कार कहता है तो कार में जगह नहीं है, ठीक है। आई हैव गोन थ्रू द केस केयरफुली कहता है तो मैं मामले को तह तक मैंने देखा, या कह सकते हैं मैंने मामले को ध्यान से देखा है, ठीक है। और इस तरह आपके सीजीपीएससी मेंस में मान के चलिए 48 से लेकर आपके नंबर जो है वो केवल व्याकरण खंड से पूछा है, और इसी तरह आपके 52 नंबर का प्रश्न है जो आपको साहित्य खंड से पूछा गया है। कुल मिलाकर देखने वाली बात है कि मेरे द्वारा क्लास में जितनी भी चीजें आपको बताई गई है वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। यदि आप चाहें, अगर आपकी तैयारी मजबूत थी, तो मान के चलिए कि कहीं भी इस बार के प्रश्न पत्र में आपको भटकने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इतना सरल और खूबसूरत तरीके से प्रश्न को पूछा गया था। पिछले 3 वर्षों के मुकाबले अगर बात किया जाए तो इस वर्ष का प्रश्न पत्र बहुत ही सरल और बहुत ही खूबसूरत रहा है, बशर्ते आपकी मेहनत जो रही होगी वही आपको उच्च अंक दिलाने के लिए कार्यरत होने में, प्रयासरत होने में आपको सफलता देगा। उम्मीद करती हूँ कि इस एनालिसिस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको संपूर्ण विवरण बताए हैं 100 नंबर के हिंदी के प्रश्न पत्र का, आप खुद को आकलन करने के लिए, खासकर व्याकरण के पक्ष में, क्योंकि साहित्य का खंड तो ऐसा है कि अनसीन पैसेज में सबके जवाब अलग अलग होंगे, संक्षेपण में सबके जवाब अलग होंगे। हाँ, जो आपका पत्र लेखन वाला हिस्सा है, अगर आपने सही रूपरेखा और सही प्रणाली से उसको नहीं लिखा है तो अंक की कटौती हो सकती है, लेकिन अगर बराबरी आपने उसमें मेहनत करी होगी तो वो भी आपको जो है वो फायदेमंद साबित होगा। तो अभी हिंदी का लेक्चर, आपका एनालिसिस वीडियो हिंदी भाषा कंप्लीट होता है। अब थोड़े समय बाद हम छत्तीसगढ़ी भाषा के भी 50 प्रश्न पत्र के जो आपके अंक थे उसके संबंध में विश्लेषण की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यूं ही मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लव यू टू ऑल माय बच्चा।